आज हम बात कर रहे हैं नोटिस राइटिंग की। एक्चुअली नोटिस क्या होता है, आप समझिए पहले जरा इस चीज को। नोटिस होता है किसी भी प्रकार की कोई सूचना देना। स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, काफी फंक्शंस होते हैं, एग्जामिनेशंस भी होते हैं, और भी कई जगहों पर ऑफिसेज के अंदर या और भी कई जगह पर कई प्रकार की चीजें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। अब उनकी सूचना कैसे दी जाए? अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि स्कूल में अगर कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो एक एक स्टूडेंट को उसकी इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन दी जाए, या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 100 200 400 लोग काम करते हैं, एक एक आदमी को कोई सूचना दी जाए, कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार की सूचनाएं देने के लिए हम नोटिस लिखते हैं। अब वो नोटिस कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एग्जामिनेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। एक तीन आपकी चीजें हैं, नोटिस, रिप्लाई टू इनविटेशन और एडवर्टाइजमेंट। अब तो तीन ही रह गई, पहले पांच थी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, जो आता है भी इंपॉर्टेंट, आना चाहिए अपने को लिखना। जैसे कि कभी जरूरत पड़े तो अपन कर सकें इन चीजों को। तो आज हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से नोटिस लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको लिखेंगे। क्वेश्चन आप भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। यू आर गोविंद, या चारू, दिख रहा है ना आपको? यस स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी। ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट, ये भी 50 वर्ड्स का ही आता है, 50 वर्ड्स इनफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ। सर बोलो। हाँ ये कितने मार्क्स का आता है? वही 4 नंबर का आता है।
ओके सर, ट्वेल्थ। ये तीनों चीजें ही 4 नंबर की होती हैं। हाँ, एक ही क्वेश्चन आता है, हाँ यस सर, आप इस बात को समझो जरा यहाँ पे कि क्वेश्चन एक ही आता है, ठीक है ना। मतलब दो आते हैं, ये दो में से आपको एक करना होता है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप गोविंद या चारू हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ रहे हो, और आपका स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है आपके ही क्षेत्र में। तो आपको एक नोटिस लिखना है 50 शब्दों में, और ये नोटिस लिखना है आपको 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। क्या आप उनको इन्फॉर्म करोगे कि भाई ऐसा है कि हमारे स्कूल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स चाहें ब्लड अपना डोनेट करना वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अपन जब भी नोटिस लिखेंगे तो कुछ डाटाज अपने को देना होगा। जैसे अपने को अब सोचिए जरा कि आपके जब ऑर्गेनाइज हो रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, समझ रहे हैं आप? और आपको अगर अपने नाम देने हैं तो कब तक देने हैं, ये कुछ बातें आपको इसके अंदर लिखनी होती हैं। कभी भी आप कोई भी नोटिस लिखते हो तो कुछ इंफॉर्मेशन तो आप दोगे ही ना। नोटिस का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो आप दोगे ही ना। तो वो इंफॉर्मेशन आपको खुद कोशिश करनी है, सोचना है थोड़ा सा कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाए, और इसीलिए ये प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको। तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे अपन। क्या करेंगे, एक बॉक्स बॉक्स बनाएंगे बनाएंगे अपन, सर, बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स के अंदर अपन इस नोटिस को लिखेंगे, ठीक है। एक टेबल अपन बना लेते हैं यहां पर ऐसे, आप जब ये टेबल बनाए तो आप पेंसिल से बनाए इसको, ठीक है। अब ये हमने बॉक्स बना लिया आपके सामने, एक सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, आप समझ लो सारी चीजों को। सबसे पहले अपने को लिखना चाहिए अपने स्कूल का नाम। अपन स्कूल की तरफ से नोटिस लिख रहे हैं, है ना। आप भी मान लो कि भाई एक स्टूडेंट ही हो, मतलब कुल मिलाकर के स्टूडेंट हैं, और स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज कमिटीज बनी हुई होती हैं, तो उनकी तरफ से आपको ये नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो सबसे पहले काम तो अपना ये है कि अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, अपनी संस्था का नाम लिखें। अब स्कूल की तरफ से है ये सब कुछ, तो अपन स्कूल का नाम लिखें सबसे पहले, और कोशिश ये करें कि अपन जो भी ऑर्गेनाइजेशन का या स्कूल का नाम लिख रहे हैं उसको अपन कैपिटल लेटर्स में लिखें। देखो ऐसे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्या नाम है जगह का, कोटा। देखो आप दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके स्कूल का नाम दिया हुआ है ना, नागौर तो आप बोलो ना, आप क्या हो गए, सो गए क्या सारे है? सर, इस क्या बोल ही नहीं रहे आप, तो पता नहीं क्या है। यस सर, इसके बाद आपको लिखनी है डेट, किस डेट में आप ये नोटिस लिख रहे हो। जिस डेट को आप ये नोटिस लिखोगे वही डेट आनी चाहिए। अब डेट लिखने में ऐसा होता है कि अपन बाईं तरफ भी लिख सकते हैं और दाईं तरफ भी लिख सकते हैं डेट को।
और अब आजकल जो ज्यादातर जो लिखा जाता है वो बाई तरफ ही लिखा जाता है, ठीक है? सर। तो जरा बाई तरफ अपन लिखें इस डेट को, आप इस तरीके से डेट को लिख सकते हैं, कोई भी आप डेट इमेजिन कर लो, क्योंकि इसमें कोई डेट दी हुई नहीं है, तो आप कोई भी डेट इमेजिन कर सकते हो। 27 अक्टूबर 2020 आ गई डेट आपकी। यस सर, बोलो। ये डेट डेट लिख रहे हैं वो स्कूल के नीचे जो लाइन छोड़नी नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है लाइन वाइन छोड़ने की, तो फिर भी ओके आपको अगर लगता है तो आप एक लाइन छोड़ सकते हो, पर जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात आपको? हाँ सर। फॉर्मेट समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। इसके बाद आप क्या करोगे, नोटिस लिखोगे आप, कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप अंडरलाइन करके, नोटिस लिख दिया। ये फॉर्मेट समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। नोटिस लिखने के बाद सर आप टाइटल क्या है आपका वो आपको लिखना है, क्या टाइटल होना चाहिए इसका? वेरी गुड, डोनेशन कैंप लिख दीजिए, ये भी कैपिटल में आप लिख दीजिए। ब्लड सेंटर में लिखें आप, डोनेशन कैंप, हो गया। यस सर। बस इसके बाद आप अपना लिखना शुरू कर सकते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, किसके लिए है नोटिस? 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, तो आप एक सेंटेंस लिखेंगे, द स्टूडेंट्स क्लास ऑफ 12th। क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड, पैसिव वॉइस बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी कि यस सर। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट, क्या सूचित किया जाता है, क्या सूचित किया जाता है कि दैट आवर स्कूल, कि हमारा स्कूल, दैट आवर स्कूल सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारा विद्यालय एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। दैट आवर स्कूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजिंग टेंस, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन दो नवंबर कैंप। से तो ए ब्लड डोनेशन नहीं, और तुम्हारी मई तो कैंप, खुलेगी कैंप, मनीषा। ठीक है? हाथों हाथ आप जगह का नाम लिख दीजिए, इन आवर स्कूल, हमारी तो बंदी पड़ी। जगह का नाम आ गया। यस हाथों हाथ डेट भी लिख दीजिए, ऑन, अब आपने 27 तारीख में जब नोटिस लिख रहे हो तो 4-5 दिन का टाइम तो दो, 31 31 कर दो आप, 31 अक्टूबर अक्टूबर 2020 2020 या आप 31 की जगह 1 नवंबर कर दो, संडे के दिन ठीक रहता है थोड़ा सा। ऑन वन यस नवंबर नवंबर 2020
2020 2020 संडे, ठीक है। अब टाइम भी बता दीजिए, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, फ्रॉम From अपने हिसाब से टाइम लिख दो आप, फ्रॉम 10 10 AM AM to टू, 12 PM, अरे 2 घंटे का होता है क्या कोई, कम से कम 4-5 घंटे का तो रखो, 4 PM, फाइव 5 PM, फाइव 5 PM, PM, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन आनी जरूरी है, मेन बात तो ये है। अब आपने फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पर, बस ये पूरी इन्फॉर्मेशन तो ये आ गई। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल ऑन 1st नवंबर 2020 संडे फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। क्यों क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ऐसा कर अब आप आगे क्या लिखोगे? ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, अपने को लिखना होता है। एक आप लिख सकते हो, दिस इज, या पूरा लिख दो, ब्लड डोनेटिंग इज ए नोबल कॉज, ठीक है। या बता दीजिए आपके भी खून रक्तदान करना एक बहुत ही अच्छा काम है। इट कैन सेव लाइव्स, ठीक है। आगे आइए आप, दोज स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी, दोज स्टूडेंट्स वांट टू डोनेट, जो विद्यार्थी अपना रक्तदान करना चाहते हैं, वांट टू डोनेट देयर ब्लड, ठीक है ना। दोज स्टूडेंट्स, यहां पर इसको ठीक करना पड़ेगा, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड मे गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स बाई, कब तक दे दें? 1 नवंबर को है तो कब तक दे देना चाहिए इनको? बाय 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 2020। क्लियर हुआ? यस बस इतना आपने लिख दिया, एक दो लाइन छोड़ सर, दो। अब आप कौन हो? या तो गोविंद या चारू, अच्छा, दोनों में से एक नाम लिखना है आपको। ओके सर, अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ये लिख दो कि भैया आप कौन हो, इमेजिन करके लिख दो, है ना। इमेजिन करके आप कुछ भी लिख दो, गोविंद या चारू तो आपका नाम आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इमेजिन कर करके अपन कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए सेक्रेटरी, ठीक है, किसके सेक्रेटरी, स्टूडेंट या कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज यानी कि आप किसके सेक्रेटरी हो, आपके स्कूल में जो कल्चरल एक्टिविटीज का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है आप, है ना,
उसके सेक्रेटरी हो, और साथ में आप इधर प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हो, कोई भी प्रिंसिपल का नाम ले लीजिए, राम सिंह, और आप नीचे लिख दीजिए प्रिंसिपल। बस क्लियर हो गया आपको? यस सर। इस तरीके से आप है? सर वर्ड्स स्टार्टिंग से गिनते हैं क्या, डेट से? पूरा सारा गिना जाता है सर, ये वर्ड्स तो ज्यादा नहीं हो गए? ज्यादा हो जाएंगे तो कम कर अपन वो सेंटेंस हटा देंगे जो अपन ने लिखे हैं इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं अपन, इसको चेक कर लीजिए आप। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, 27 अक्टूबर 2020, डेट आ गया, ऊपर स्कूल का नाम आ गया, नोटिस आपने लिख दिया, ब्लड डोनेशन कैंप आपने टाइटल लिख दिया, क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर स्कूल ऑन 1st नवंबर 2020 संडे फ्रॉम 10 AM to 5 PM। ब्लड डोनेटिंग इज अ नोबल कॉज, इट कैन सेव लाइव्स। बस थोड़े दो सेंटेंस आपने ये ज्यादा लिख दिए हैं इसके अंदर, बस ज्यादा से ज्यादा इनको आप डिलीट कर सकते हो। सो दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड मे गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स बाय 30 अक्टूबर। बस 2020। और किसने लिखा है नोटिस? गोविंद या चारू, एक ही नाम लिखना है जो कि सेक्रेटरी हैं कल्चरल एक्टिविटीज के, और साथ में अपन ने प्रिंसिपल को भी मेंशन कर दिया है यहाँ पर। क्लियर हो गया आपको? चलिए, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको अपना, है ना। लिखिए एक क्वेश्चन और। यू आर यशपाल या दीपिका स्टडींग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। डेटास का ध्यान रखना है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू उदयपुर। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अच्छी तरह से देख लो आप क्वेश्चन। यू आर यशपाल या दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू उदयपुर। तो आपको एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, वही अपन काम करेंगे। एक अपन टेबल बनाएंगे,
सबसे पहले काम क्या करेंगे अपन, पता है आपको? बोलो फटाफट। हाँ का स्कूल का नाम लिखना है क्या? बोलो ना कॉन्फिडेंस के साथ में। यस सर, इतना क्या सोच रहे गवर्नमेंट हो, नींद आ जाती है क्या सीनियर तुम लोगों को? सेकेंडरी स्कूल अजमेर। अजमेर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर अजमेर, ठीक है। अब यस क्या सर। करेंगे आप? डेट 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 लिखेंगे ना? यस सर। डेट क्या लिखनी चाहिए आप बताओ जरा, बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं सोच पा रहे हैं। गुड़िया अगस्त का महीने 5। अगस्त के सितंबर में लिख दें अपन, ठीक है? अगस्त तो सितंबर में लिख दीजिए आप टेन सितंबर सितंबर 2021 2021 कर ट्वेंट दो, यस ठीक है। सर। इसके बाद आप क्या करोगे? बिल्कुल सेंटर में आ जाओगे, क्या करोगे बोलो? नोटिस 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 अंडरलाइन करके कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको। सर। ये हो गया नोटिस। ये फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। एन नोटिस का टाइटल क्या होना चाहिए? एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर, इसको भी आप कैपिटल में लिख दो, एजुकेशनल टूर टू उदयपुर उदयपुर। हो गया सब? यस बस इसके बाद आप क्या करेंगे? वापस उस कोने पे आ जाएंगे। क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम क्या है? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, एक रूपरेखा बना लीजिए दिमाग के अंदर। अच्छा, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ी सी डिटेल अपनी तरफ से आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। ये तो आपको पता चल गया कि भाई एजुकेशनल टूर है उदयपुर का, कितने दिन का होगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक का होगा, कितना खर्चा आएगा पर स्टूडेंट। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? समझ रहे हैं सर। ना? कितने दिन का होगा, कितना खर्चा आएगा पर स्टूडेंट। क्लियर हो गई बात आपको? है तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल अवर स्कूल इज इज ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग, क्वेश्चन में से उठा लिया, एजुकेशनल टूर टू एन एजुकेशनल टूर उदयपुर टूर टू उदयपुर उदयपुर। कब से कब तक आएगा? इसी के साथ ही लिख दो, फ्रॉम फोर कितने दिन का लिखोगे? 3 दिन का। फोर 3 days का फ्रॉम कब से कब तक का लिखोगे आप? 20 तारीख से लिख दें। यस सर। फ्रॉम फॉर फ्रॉम 20 20 सितंबर सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन 21 टू टू 23 ट्वेंटी थ्री सितंबर सेप्टेम्बर 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन क्लियर हो गया भाई? यस आपने ये बता दिया कि टूर कहाँ है, कब से कब तक का है, 3 दिन का है, ये बता दिया आपने, ठीक है ना? अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चार्जेस कितने होंगे, यही आएगा ना? द चार्जेस
विल बी फ्यूचर में आएगा ना। यस कितने पैसे होने सर, चाहिए बताइए 3 दिन के टूर के? खाना पीना आना जाना रुकना सब हो जाएगा, दिमाग चलाओ। 1500 से 2000 रुपये। 2000 रुपये विल बी 2000 रुपीज रुपी पर स्टूडेंट। थाउजेंड क्लियर हो गया? यस हो गया ना क्लियर? सर यस सर अब आप क्या लिखेंगे आगे? मेन बातें तो आ गई अपनी, कब से कब तक होगा, कहाँ का होगा, कितने चार्जेस होंगे। अब ये तो अंडरस्टूड है कि इतना चार्जेस अपन जब पैसे दे रहे हैं तो अब खाने की व्यवस्था अपन तो करेंगे नहीं अलग से, समझ रहे हैं ना आप? यस 3 दिन का जो भी सर होगा खाना ब्रेकफास्ट सब कुछ इसी में होगा, रुकना वगैरह सब इसी में ही होगा, ये तो अंडरस्टूड चीजें होती है। क्लियर हो गई बात आपको? सर तो आप अब आगे लिखिए, दोज स्टूडेंट्स वो विद्यार्थी जो जो के लिए हु टू वांट गो टू गो मे गिवन मे गिव वो दे सकते हैं देयर नेम्स विद द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स देयर पेरेंट्स अलोंग विद द चार्जेस अलोंग विद द चार्जेस। चलो इसको छोड़ दो, आप हटाओ। पेरेंट्स यानी कि दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो मे गिव देयर नेम्स विद द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स टू द टू देयर क्लास टीचर्स। हो गया? यस बस हो गई आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी थी। अब आपको किसकी तरफ से लिख रहे हैं आप इसको? आपका नाम क्या है? यशपाल? दीपिका। यशपाल या दीपिका, एक ही लिखना है आपको। अब आप कौन हो ये बता सकते हो आप? सेक्रेटरी। क्या बता सकते हो आप भी कौन हो आप? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किस चीज के सेक्रेटरी हो आप? अपना कोई भी आप लिख दीजिए। आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज एक्टिविटीज क्लब, ये इमेजिन करके लिखना है आपको। और यहां पर आप एक बात और लिख सकते हैं कि भाई ये तो हो गया, ये तो स्टूडेंट ही है यशपाल और दीपिका, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल का भी आप नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इम्प्रेशन होता है कि भाई यहाँ प्रिंसिपल की सहमति से ही ये नोटिस दिया जा रहा है, उनकी सहमति से ही हो रहा है। तो आप प्रिंसिपल नाम लिख दीजिए कोई भी, ऐसे तो हस्ताक्षर होते हैं, तो आप लिख दीजिए काउंटर साइंड, काउंटर मतलब काउंटर साइंड का मतलब क्या है कि भाई जो प्रिंसिपल है ना उनकी सहमति से है, मतलब बाई है ना, और नीचे आप लिख दीजिए प्रिंसिपल। क्लियर हो गई बात आपको बेटा? समझ में आ गया? यस सर क्लियर है बिल्कुल?
क्लियर है ना? यस सर। ओके, थैंक यू।